जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं यूपीटेट का परिणाम और भर्ती। ये दो सवाल ऐसे हैं जो यूपीटेट के वे तमाम अभ्यर्थी बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, बीएड, शिक्षा मित्र, इन सभी के जहन में है कि आखिर यूपीटेट का परिणाम कब आएगा और क्या यूपीटेट के परिणाम आने के बाद क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी। तमाम तरह की खबर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अन्य सभी सोशल मीडिया पे आपको घूमते टहलते हुए मिल रहे हैं कि अब भविष्य में कभी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आएगी, यूपीटेट का परिणाम कभी नहीं आएगा, या ऐसे तमाम तरह के सवाल आपके सामने आ रहे होंगे और इसकी वजह से आपका मन विचलित हो जाता होगा। कभी कभी लगता होगा पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, कब पढ़ें, क्या मेरा पढ़ना बेकार हो गया, क्या मैंने इतने पैसे लगा के बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, बीएड, जो ये कोर्स मैंने किया, इसमें जो अपना कीमती समय लगाया, क्या कहीं वो हमारे और आपके परिवार के लिए वरदान की जगह अभिशाप तो नहीं बन जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, आपको सारी बातें क्रम से जानने से पहले सबसे पहले अपने आप पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप इस देश के प्रबुद्ध और एक शिक्षित नागरिक हैं, उसके साथ एक भावी शिक्षक और शिक्षिका है। तो उत्तर प्रदेश का परिणाम रुकने का जो कई कारण थे, उसमें सबसे बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। विधानसभा चुनाव होने के बाद मंत्रिपरिषद का गठन हो गया और जैसे ही मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, टेट परीक्षा का परिणाम जारी करने की बिगुल लगातार बजता रहा और अंत में वह घड़ी आ गई कि जल्द ही आप सभी को यूपीटेट का परिणाम देखने को मिलेगा। एक सवाल दूसरा आ रहा है कि सर कितने अंकों का फायदा होगा। जी हाँ, तो जो प्राइमरी है उसमें दो अंकों का फायदा मिल सकता है, लेकिन ये फायदा दो तरह से होगा। जिनके पहले से उसमें अंक सही होंगे या बढ़े होंगे उनको कोई लाभ नहीं, लेकिन हाँ, जिनके विकल्प बदलने के बाद भी सही नहीं होंगे उनका तो नुकसान होगा, लेकिन जिनका सही था उनका फायदा होगा। जिनका गलत था, अगर वह विकल्प सही मान लिया जाएगा तो प्रश्न बढ़ेगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक प्रश्न के चार विकल्प थे, ए बी सी डी। अगर आपने बी कलर किया था और आयोग ने बी और सी दोनों मान लिया, तो जो बी का सही था उसको तो नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन जो सी नहीं किया था, जिसने सी किया था उसके मार्क्स नहीं मिले तो उसको भी मिल जाएंगे। अगर कॉमन कर दिया, तो अगर अभी तक आपके सी से कोई भी विकल्प मान लीजिए डी सही था, कॉमन कर दिया गया, तो ए बी सी तीनों को फायदा हुआ, आपका फायदा नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो दो अंक से तीन अंकों का फायदा होगा उन सभी अभ्यर्थियों को। पहले रिवाइज उत्तर कुंजी आएगी, उसके बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी यूपीटेट सीटेट परीक्षाओं के परिणाम तक ही सीमित रह जाएगा। क्या जिस परिणाम का उद्देश्य भविष्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा है, क्या वो पूरी हो पाएगी? क्या आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना, आपके परिवार का सपना पूरा हो पाएगा? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल उन सभी के जहन में है जो पहले से टेट पास हैं या जो इस टेट में लंबित हैं। क्योंकि आप सभी को दो वर्ष से प्रशिक्षण लेने का जो सबसे मूल उद्देश्य था कि भविष्य में एक सरकारी शिक्षक बनना, ये सपना क्या पूरा हो पाएगा? तो एक बात तो साफ है कि जिस तरह से माननीय सरकार आपके लिए तैयारी कर रही है, वो एक शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके समकक्ष या आपके सामने लेकर आएगी। अब आपके मन में आएगा कि सर एक मैसेज वायरल हो रहा है, एक स्किन कटिंग वायरल हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के सापेक्ष 68,500 भर्ती परीक्षा, इन दोनों परीक्षा के बाद जो अभी शेष पद थे, ध्यान दीजिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो थे, जो अब 17,200 अर्थात 23,000 पद, तो आपकी जो भर्ती होनी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द होनी है, क्योंकि यह माननीय सरकार का स्टेटमेंट है और माननीय सरकार अपने स्टेटमेंट के साथ साथ अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए भी काम कर रही है। बेशक पद कम है, तो जब पद कम होगा तो सीधी सी बात है कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा, प्रतिस्पर्धा अपने आप बढ़ जाएगा। अब यह आपके और सरकार के ऊपर एक तालमेल का है कि अब ज्यादा पदों पर भर्ती लाएगा तो ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, कम पदों पर भर्ती आएगी कम लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन दोनों में कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर यूपीटेट की परीक्षा की बात करें तो इसका जो परिणाम है 22 से 25%, 17%, अगर मान लेते हैं 22% परिणाम आया तो मतलब 88% लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब 70% लोगों ने फॉर्म भरा, तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा सबने टेट नहीं क्वालिफाई किया, सबने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया। तो उसी तरह जो पात्रता परीक्षा के बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, तो जितने लोग सम्मिलित होंगे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें से प्योर जो ऊपर के लोग होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसके लिए दो बातें आपके सामने हैं, एक आप भर्ती का इंतजार करिए, दूसरा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अपना समय व्यतीत करिए, तीसरा अपने नींव को लगातार मजबूत करिए।
क्योंकि जितने भी लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने जो 21 विषय हैं, कुछ 14 कहेंगे लेकिन हम 22 कहते हैं करेंट को लेके, क्योंकि सब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट मतलब विषय उप विषय मिलाएंगे तो 22 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 22 विषय हो जाएंगे, उनकी तैयारी करते समय सारे विषय किसी एक व्यक्ति के मजबूत नहीं होंगे, सबकी वीक जोन होगा। किसी को गणित में दिक्कत, किसी को संस्कृत में, किसी को इंग्लिश में, किसी को साइंस में दिक्कत, किसी को सोशल में दिक्कत, किसी को विविध में दिक्कत। कुछ लोग करंट को लेकर परेशान है। जब भी करंट से अगर सवाल की बात की जाए तो 12 से 10 सवाल पूछे जाएंगे, 13 सवाल पूछे जाएंगे, बाकी विविध के सवाल होंगे। और उसके अलावा CDP, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, सूचना तकनीकी और कंप्यूटर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन 5 नंबर में मिक्स करके आते हैं। तो इनमें सबका स्ट्रांग जोन नहीं होगा, उसका वीक जोन होगा। किसी का इतिहास, भूगोल, संविधान, इतिहास में तीनों इतिहास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, तो इन सभी में से सारे विषय पर सभी का कमांड नहीं होगा। तो जो विषय आपका कमजोर है उस पर फोकस करें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप जो बड़े रेस के घोड़े होते हैं वो हल्के मुल्के छोटे बड़े तूफानों के डर से अपने रेस से भागा नहीं करते, वो अपने मंजिल से, अपने जुनून से कभी समझौता नहीं करते। अब सोचिए अगर भर्ती 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो जो लगातार आप पढ़ते आ रहे थे, अगर आप बीच में गैप कर देते हैं, जैसे आज से पढ़ना बंद करते हैं, आज के 4 महीने बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो जितना अभी तक पढ़ा है वो तो गया, उसके बाद ही 4 महीनों में जितना पढ़ा था तो भूल जाएंगे। फिर से तैयारी आपको शून्य से करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो परीक्षा के समय जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब आप रिविजन करना शुरू करेंगे, उसे दोहराना शुरू करेंगे। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। मैं दुर्गेश जायसवाल गेस्ट के रूप में इस पर आया और आपको अपनी बातें बताया जो मुझे समझ में आया। मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक अपनी बातें पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन सुनिएगा सबका, करिएगा अपने मन का, जो अंतर से आपकी अंतरात्मा कहे। लेकिन याद रखिएगा, किसी के माँ के गहने गिर भी है, किसी का घर गिर भी है, किसी के परिवार की उम्मीदें गिर भी है, किसी का सपना गिर भी है, और ये सभी तब पूरा होगा जब आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। किसी का गुणांक कम है, किसी का गुणांक ज्यादा है, तमाम तरह के प्रश्न है, तमाम तरह का प्रेशर है, लेकिन उसका एक सलूशन है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वे से। माने कठिन परिश्रम करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए, ताकि अब की बार एक सीट हमार। ये उतना कहने में आसान लगता है, वास्तविकता उतना नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के अब नौकरी मिलना नहीं आसान है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तैयार हैं, भर्ती आ जाए हम हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। मैं भी जानता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी करे, बहुत सारी बातें जो भर्ती की मांग कर रहे थे, बहुत सारे का हो गया, लेकिन कुछ का नहीं भी हुआ। इस बात की गारंटी नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भर्ती आ जाए हमारा सिलेक्शन ले लेंगे, हाँ ले सकते हैं, नो डाउट आप में से ही लेंगे, लेकिन ये कहना भी सदा सत्य नहीं है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई। किसी की तैयारी कभी पूरी नहीं होती, मेरी खुद की नहीं होती, दूसरे की मैं क्या बताऊँ, हो सकता है आपकी हो जाए। तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे। बिना पूरी वीडियो को देखे टिप्पणी करने से बचिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके मन में जो प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये वीडियो इलेनी में दुर्गेश पे देख रहे हैं घर बैठे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िएगा, और जल्द ही हम आपके लिए किताबों के रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे। उसके अलावा यदि नोट्स अगर आपको चाहिए, इलेनी में दुर्गेश के ऑफिस संपर्क कर सकते हैं, जनपद जौनपुर में संपर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बन रहा है, आप चाहे तो अपने आप को जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट भी हल कर सकते हैं, ताकि आप ये जान सके आप खुद कितने पानी में, मतलब हम ये जान सकें कि आप सब, हम सब कितने पानी में पहुंच चुके हैं और आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। और आप इलेनी पर दुर्गेश पे क्लास देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो जल्दी फॉलो और लाइक करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। तब तक मत बैठिएगा जब तक आप सफलता न मिल जाए, दर्द सहिएगा, कष्ट सहिएगा, क्योंकि जब तक घोड़ों की मार नहीं पड़ती कोई घोड़ा आपके लिए पदक नहीं लाता, विजेता नहीं बनता। और बिना मेहनत के, बिना दबाव के सफलता नहीं मिलेगी। तो खुद से खुद को जीतिएगा और तब तक लड़िएगा जब तक विजय श्री का टीका आपके सर पर ना लग जाए, जब तक विजय का तमगा आपके ऊपर ना जाए, जब तक आप सफल ना हो जाइएगा। क्योंकि मेरी तरह आप भी मेहनत करिएगा और अपने परिवार को, अपने समाज को दिखाइएगा, अपने साथियों को भी दिखाइएगा जो आपकी आज हंसी उड़ाएंगे, अरे पढ़ रहा है, भर्ती तो नहीं आ रही है। लेकिन तब जब आप सेलेक्ट होकर जाइएगा फिर उनसे कहिएगा मैंने तब भी आपसे कहा था पढ़ लो, पढ़ो। तब आपने कहा जब फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, तो आपने गलती की, आज उसका खैमा जब उगत रहे हैं।
तो यह बात आप औरों को सिखा सकें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा और मेहनत करते रहिएगा। आप अपने परिवार की उम्मीद हैं, अपने माँ बाप की उम्मीद हैं और खुद से खुद के लिए उम्मीद है। कभी खुद से मत हारिएगा, मत हारिएगा, क्योंकि हारने के बाद आपका जो गैप बनेगा ना, जो खाई बन जाएगी, उसे भरने में आपका सिलेक्शन प्रभावित हो सकता है। हो सकता है मेरी बातें अन्यथा मिले, कुछ को बुरी भी लगे, तो उनको मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जिनको समझ में आ गया है, छोड़ दो अपने आप को। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दीजिएगा वीडियो, स्टेटस पे जाकर दे सकते हैं। हाँ, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ऑफिस का नंबर, उससे बात कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त कर सकते हैं, ये लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ से निःशुल्क मिल जाएंगे।